6 जनवरी को मेयर चुनाव के दिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एमसीडी सदन में खूब हंगामा किया था। मेयर चुनाव में कहीं उसके पार्षद पाला न बदलने और हार के अनजाने डर की वजह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के साथ धक्का मुक्की भी की थी। बीजेपी ने तो यहां तक दावा किया कि केजरीवाल के पार्षदों ने किसी नुकीली चीज से हमला किया और उनके दो पार्षदों को घायल तक कर दिया। इस दौरान सदन में जमकर तोड़फोड़ भी हुई और बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब एनसीडी नुकसान की भरपाई के लिए इसका हर्जाना वसूलेगी। मतलब ये कि सदन में बिना वजह हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले केजरीवाल के पार्षदों को हर्जाना भरना होगा, क्योंकि हंगामे के दौरान जिन 4 माइक की क्षति हुई वह उस स्थान पर लगे थे जिस ओर आम आदमी पार्टी के पार्षद बैठे हुए थे। वहीं एमसीडी केयर टेकर इस मामले में सख्त रवैया अपनाने जा रही है। सदन में हुए हंगामे और तोड़फोड़ से हुए नुकसान की रिकवरी के लिए वीडियो फुटेज से दोषियों की पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार एमसीडी के अधिकारी इस घटना से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिसे एमसीडी सेक्रेटरी को भेजा जाएगा। एमसीडी सेक्रेटरी संबंधित पार्षदों को नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेजेंगे। अगर इसके बाद भी संबंधित सदस्य भरपाई नहीं करते हैं तो एमसीडी कोर्ट जाकर पार्षदों से भरपाई कराएगी। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजों को आए 1.5 महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद अब तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया। हालांकि इसके लिए पूर्व में तय 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन उस दौरान सदन में हंगामे और तोड़फोड़ के बाद चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। पीठासीन अधिकारी सहित 4 मनोनीत पार्षद ही शपथ ग्रहण कर पाए थे। इस घटना के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी की काफी आलोचना भी की थी और इसे एमसीडी के इतिहास का काला दिन बताया था। बता दें कि इससे पहले कभी भी इस तरह के हंगामे से तोड़फोड़ की भरपाई का नोटिस किसी निर्वाचित सदस्य को नहीं दिया गया। हंगामे के दौरान सदन के 4 माइक, 1 टेबल और कुर्सी को नुकसान पहुंचाया गया था। सदन में लगे माइक काफी महंगे हैं। एक माइक की कीमत करीब 1,00,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। एमसीडी सेक्रेटरी ऑफिस के कर्मियों के बैठने के लिए रखी एक कुर्सी और एक टेबल भी टूट गए, जिसकी भरपाई दोषी सदस्यों से करवाई जाएगी। वहीं एमसीडी सदन में हंगामे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई को लेकर विवाद बढ़ सकता है। एमसीडी सदन केयर की तरफ से भरपाई के नोटिस देने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के ही पार्षद पीठासीन अधिकारी हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।